अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली बीन्स विद अनम। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो व्यूवर्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को इट्सी एचसीओ टूल के बारे में बताया था, जो कि ई रैंक है, और ई रैंक का फ्री जो वर्जन है उसको कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया था, जो कि 29 मिनट्स की वीडियो बन गई थी। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इट्सी ई रैंक टूल के बेसिक जो वर्जन है, जो कि पेड होता है, इसके बारे में। इसकी तकरीबन मंथली कॉस्ट $5 अबव होती है, आई थिंक अबाउट 5.99 और समथिंग। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन जो बेसिक प्लान है उनका, 3 प्लान्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, मेरे लास्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो कि फ्री डिफरेंशिएट बिटवीन ई फ्री ई रैंक एंड बेसिक ई रैंक के नाम से टाइटल से मैंने अपलोड की थी। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ बेसिक ई रैंक, जो कि पे टूल है, 5.99 और समथिंग इसका ये मंथली जो इसकी फीस होती है। सो ये इट्सी का जो डैशबोर्ड है रिसेंटली उस वो भी चेंज हुआ है, और ई रैंक का जो डैशबोर्ड है उसमें भी थोड़े से चेंजेस आए। जैसे पहले साइन इन करते थे तो इस तरह का नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पर साइन इन करेंगे। अच्छा, डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं लैपटॉप की। अच्छा, यहाँ इस तरफ आइए, चेक योर बायर बिफोर दे परचेज, रिव्यू द फीडबैक एंड योर बायर्स हैज़ लेफ्ट फॉर द पास्ट सेलर्स। ओके, चेक योर बायर बिफोर दे परचेज, जो बायर है उसको चेक करना चाहिए कि वो किस तरह का बायर है। रिव्यू द फीडबैक योर बायर, यू अपने उस बायर के रिफी आप लोग फीडबैक चेक कर सकते हैं, हैज़ लेफ्ट फॉर द पास्ट सेलर, जो उसने पास्ट सेलर के बारे में लेफ्ट छोड़े हैं, मतलब लेफ्ट उसने की रिव्यूज जो दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बायर का नेम कर सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट करके अपने बायर के बारे में भी डिटेल्स जान सकते हैं। ये है इट्सी का डैशबोर्ड, जिसमें आप बायर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो यहाँ पे हम उसका नेम सर्च करेंगे, नेम लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उस बायर के बारे में पूरा जो डाटा है उसका आ जाएगा। आप बायर का जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम इट्सी और इट्सी पे क्लिक करेंगे। एनीवेज, अगर लाइक यहाँ पे मैं अपने किसी ही भी बायर का नेम लिखती हूँ, जैसे कि मारिया, अब मैं इसके बारे में अगर सबमिट करूँ, मारिया के जो फीडबैक हैं उनकी डेट वैल्यू और मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे नेट का इश्यूज यहाँ पे इस वक्त हो रहा है, इस वजह से प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है। तो यहाँ पे जो मारिया की जो डेट है, जो उसने लास्ट रिव्यू दिया होगा, उसकी डेट, उसकी वैल्यू और उसका मैसेज आ जाएगा आपको यहाँ पे। एनीवेज, यहाँ पे मैं आपको तब तक दूसरा बताती हूँ। अगर यहाँ से आप गए, आप जैसे ई रैंक ने जो भी नई अपडेट देनी होती है यहाँ पे आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट व्हाट्स डिफरेंस, ठीक है। आगे है इट्सी न्यू एक्सप्लोर फीचर्स, इट्सी ने जो लिस्टिंग फीचर्स हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा 5 टिप्स
टू प्रिपेयर फॉर द हॉलीडे शॉपिंग सीजन। अगर हॉलीडे शॉपिंग सीजन आ रहा है तो डेफिनेटली इट्स ही अपने सेलर्स को ईमेल्स कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि वो लोग अपनी शॉप पे सेल्स अनाउंसेस करें या कूपन, इसमें एट्सी में एक कूपन्स होते हैं वो कूपन क्रिएट करें या फिर सेल्स, उसके बाद उस कूपन को जाके सोशल अपने सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, उस पे पोस्ट कर दें या अनाउंस कर सकते हैं उन कूपन्स को जो कूपन्स वो क्रिएट करेंगे। अगर इट्सी की जो कूपन कैसे क्रिएट करते हैं इट्सी की शॉप के, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। आगे डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको बता रही थी। आगे लिस्टिंग रैंक ट्रैकर भी है यहाँ पे, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है इट्सी का, ई रैंक का, मार्केट प्लेस पॉपुलैरिटी। अब यूएसए में देखिए पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा अमेजोन डॉट कॉम की है, इसके बाद ईबे आता है, वॉलमार्ट है, इट्सी है, टारगेट डॉट कॉम। उसके अलावा हम अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में किस मार्केट प्लेस की इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है? सो आई हैव ए बिग नेट इश्यूज़। एनीवेज हम डैशबोर्ड की दूसरी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी शॉप ही कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे करंट शॉप जो अपनी जो शॉप है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कनेक्ट अनदर शॉप भी जो आपने करनी है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लोबल रैंक चेक कर सकते हैं, एक्टिव लिस्टिंग्स चेक करते हैं कितनी स्पॉटेड ऑन इट्सी के फर्स्ट पेज पे कितनी है, और इन्वेंट्री वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, मिसिंग टैग्स, स्पेलिंग इश्यूज उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मिसिंग इमेजेस, मिसिंग एट्रीब्यूट्स जो हमने लिस्टिंग में नहीं डाली हैं, और वन वर्ड टैग जो यूज़ किए हैं। इसके अलावा जो इट्सी की जो हाई सेल्स जो ग्रैब करती हैं जो शॉप्स उनका है कैटलीन, मिनिमलिस्ट, अकोर्डेंट, क्रो स्टूडियो, कोहाइट, डिजिटल आर्ट, हीथर, रॉबर्ट आर्ट, अवॉइड ब्लूम प्रिंटेबल्स। तो उसके अलावा अपकमिंग इवेंट्स, जो इवेंट्स के हिसाब से भी हम लोग इट्सी पे सेल्स लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं 2 डे अंटिल फीस्ट ऑफ टेबल मेरिकल सुकोट, 2 डेज अंटिल इंडिया पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, और जितने भी हॉलीडेज यहाँ पे आ रहे हैं 3 डेज अंटिल कोलम्बस डे यूएसए यूएसए। इसके अलावा 3 डेज कैनेडियन पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, तो ये हॉलीडेज आ रही हैं इसके हिसाब से भी हम लोग सेल्स लगाते हैं। तो ये रहा इट्सी ई रैंक का बेसिक जो डैशबोर्ड है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ मज़ीद आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपको वीडियोस चाहिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।